हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन करियर पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आपका फर्स्ट ड्राइव के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना अगर वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी मैंने जॉब से रिलेटेड बहुत सारी कंपनियों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने उन सारी वीडियो को अभी नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखिएगा, और उसमें पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं और किस टाइप की जॉब होने वाली है, जॉब की लोकेशन क्या है, पूरा डिटेल में बता रखा हूँ। आप एक बार चैनल को विजिट की करना और भी जो वीडियो मैंने जॉब से रिलेटेड बना रखी है उसको भी देखना, पूरा प्रोसीजर उसमें बता रखा हूँ। अगर चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज आप सबको बताने वाला काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है एसेंचर की तरफ से, तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑनलाइन करियर पोर्टल में डेली वीडियो जाती हैं ऑफ कैंपस जॉब से रिलेटेड। तो आप किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो या किसी भी डिग्री से हो या आपकी जो भी ग्रेजुएशन की ईयर है कुछ भी हो, अगर आप 2019 20 21 22 23 बैच के हो तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो भी ऑफ कैंपस ड्राइव, इंटर्नशिप से रिलेटेड, प्लेसमेंट ड्राइव या कोई भी फ्री कोर्सेज लॉन्च होता है किसी भी कंपनी या किसी भी साइट की तरफ से, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो देखते हैं पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे अप्लाई करना है। तो चलो देखते हैं। तो एसेंचर अभी हायर कर रहा है फ्रेशर के लिए, और कौन कौन से बैच वाले एलिजिबल होने वाले हैं वो सब हम देखने वाले हैं पूरा डिटेल में, तो वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे देखो, क्लिक हियर इफ़ यू नीड एनी असिस्ट ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज़ रिव्यू द। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसीजर मेंशन कर रखा है कैसे अपने नाम को आपको सबमिट करना है और किस टाइप को आपकी अपनी फ़ोटो या को यहाँ पे लगानी है ताकि यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि अगर आपकी फ़ोटो विजिबल नहीं है, आपकी फ़ोटो शो नहीं हो रही है तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी, उस पर रेड मार्क आ जाएगा। अगर आपकी सब कुछ सही है तो वहाँ पे ब्लू मार्क आ जाएगा। नाम में भी यही है, फ़ोटो में भी यही है, आइडेंटिटी कार्ड में भी वही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे इस सबको देखने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आगे फॉर्म आपको खुल जाएगा। तो अभी आपको बताने वाला हूँ क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा इस टाइप का। तो इस पेज में पूरा उन्होंने मेंशन कर रखा है एसेंचर कंपनी ने, पूरा प्रोसीजर मेंशन कर रखा है किस टाइप का होने वाला है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, असिस्मेंट डिटेल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन करना है, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में थिंक टू डू बिफोर द रजिस्ट्रेशन डिटेल गाइडलाइन टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गाइड टू फिल फॉर्म डिटेल्स, गाइड टू फिल सोर्स डिटेल्स, गाइड टू फिल पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको पूरा देखना है वीडियो को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। और ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिग्री एंड ब्रांचेज, ऑल स्ट्रीम एंड ब्रांचेज ऑफ बीएससी, बीसीए, बीए, बीकॉम एंड बीबीए 2020 एंड 2021 ग्रेजुएट्स। अगर आप 2020 या 2021 ग्रेजुएट्स ईयर में पास आउट हुए हैं, अगर आपने 2020 में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है या 2021 में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन से ब्रांच वाले, कौन कौन से स्ट्रीम वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बीएससी की है, बीसीए की है, बीए की है, बीकॉम की है, बीबीए की है, तो आप सब एलिजिबल होने वाले हैं। स्टैंडिंग बैकलॉग, नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। तो अगर आपकी कोई बैकलॉग अभी एक्टिव है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यहाँ पर इस टाइम पर आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। और गैप इन एजुकेशन, मैक्सिमम वन ईयर का गैप आपके एजुकेशन में होना चाहिए, चाहे ट्वेल्थ टेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो, मैक्सिमम वन ईयर का ही यहाँ पे जो गैप इन्होंने मेंशन कर रखा है। उससे ज़्यादा का अगर आपके स्टडी में अगर गैप है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है।
जो थर्ड ऑप्शन है असेसमेंट डिटेल का, तो असेसमेंट डिटेल में असेसमेंट डिटेल प्रोसेस, इफ़ यू आर एलिजिबल यू यू विल रिसीव एन ईमेल इनविटेशन अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। अगर इन सारी प्रोसेस और जो भी इन्होंने क्राइटेरिया जितनी भी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं सब आप फिलअप कर देते हो, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी सारी चीज़ें आप सेम है, आपकी सही हैं, तो आपके पास ईमेल आने वाला है असेसमेंट का। तो एक असेसमेंट टेस्ट होगा आपका, मॉक असेसमेंट, यू विल गेट 10 मिनट्स मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट, मॉक असेसमेंट मेंटोरी, एंड यू विल इंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है, आपके पास अच्छा खासा इंटरनेट की स्पीड भी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जो पहला प्रोसेस होगा वो कॉग्निटिव असेसमेंट होगा, असेसमेंट फर्स्ट जो है कॉग्निटिव असेसमेंट, यू विल गेट 50 मिनट टू कंप्लीट दिस असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट इंक्लूडेड 50 क्वेश्चन ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अबस्ट्रैक्शन रीजनिंग। और जो यहाँ पे सेकेंड असेसमेंट होगा टेक्निकल असेसमेंट होगा ये, और जो थर्ड असेसमेंट हो यहाँ पे होने वाला है कम्युनिकेशन असेसमेंट होने वाला है, ठीक है। और जो फोर्थ होगा मॉक असेसमेंट, ये सब मॉक असेसमेंट है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है किस टाइप के आपके लैपटॉप होना चाहिए, उसकी रैम कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वीडियो एंड ऑडियो के लिए वेब कैम है, माइक इज मैंडेटरी है, मैंडेटरी। रैम अगर 4 GB 4 GB+ रैम होना चाहिए आपके लैपटॉप की, तो i3 प्रोसेसर होना चाहिए, 5th जनरेशन का है तो भी चलेगा। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी इनका सॉफ्टवेयर होगा वो इसी टाइप के सिस्टम में रन कर सकता है। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें आप एग्री नहीं कर रहे हो तो आप फिर ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में रन नहीं कर पाएगा, और आपको जो मेल आएगा पेपर के लिए वो उसको अटेंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड्स के पास है उनसे लैपटॉप को ले सकते हो एक दिन के लिए, जब भी ये टेस्ट होगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है BSc BA BCA स्टूडेंट के लिए, और 2020-2021 बैच के लिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे पूरी डिटेल आप आगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे 1 बाइट सबको रीड आउट कर सकते हो, पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद अप्लाई करना, काफ़ी इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट को क्लिक करोगे एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जॉब रोल, उसके बाद सोर्स डिटेल, पर्सनल डिटेल, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, प्राइमरी कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप कंफर्म, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप कौन से सिटी से हैं, कौन से स्टेट से हैं उसको, हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल क्या है आपकी, यहाँ प्राइमरी स्किल क्या है, सेकेंडरी स्किल क्या है, अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास है उसको भी आप यहाँ बता सकते हो। और यहाँ पे लोकेशन क्या है, प्रेफर्ड लोकेशन आपकी, प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो जॉब की, और ईयर आप गैप कितने वर्ष का है, कोई स्टैंडिंग बैकलॉग है कि नहीं है। तो यहाँ आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, अपने फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, और फिर यहाँ पे अपने आईडी को यहाँ पे आप करना है, आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोट को अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ के यहाँ एग्री करना है, सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ एग्री लिखा है वहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है, काफ़ी सिंपल सा फॉर्म होने वाला है, तो अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ओपन करके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। पूरा डिटेल यहां पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 1 बाय 1, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप सबको बता दिया है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया है जैसे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिग्री एंड ब्रांचेज का, ऑल स्ट्रीम एंड ब्रांचेज ऑफ BSc BCA BA BCOM BBA 2020-21 वाले अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिग कंपनी की तरफ से आ रही है, काफ़ी अच्छा CTC भी यहाँ पे 6 to 7 LPA का CTC भी होने वाला है, और फुल टाइम जॉब होने वाली है। और आप जिस भी जॉब जिस भी लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हो आपको, उस फॉर्म में मैंने आपको अभी फॉर्म दिखाया था उसमें आप फिल कर देना,
इस टाइप के फॉर्म में, और यही अपॉर्चुनिटी अभी एसेंचर की तरफ से आ रही है। तो पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो या चैनल को सपोर्ट करते हो, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे और भी हमें जॉब ऑफ कैंपस ड्राइव से रिलेटेड जो भी कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, उसे पूरा डिटेल में रिव्यू करने के बाद पूरा वीडियो उस पर बना के आप सबके लिए काम किया जाता है। और भी हम बहुत सारी वीडियो, डेली वीडियो आती है ऑनलाइन करियर पोर्टल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए डेली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज।